यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार प्रतिबंध अब सख्त करते जा रहे हैं। अमेरिका यूरोपीय संघ और G7 रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका यूरोपीय संघ और G7 ने रूस में नए निवेश पर रोक का ऐलान किया है, जिसके बाद रूस की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। यानी रूस में अब कोई भी देश, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन या फिर G7 से जुड़ा कोई भी देश अब निवेश नहीं करेगा। वही खबर है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रतिबंधों की मार झेल रहा रूस दवाओं के लिए तरस गया। हाल ये है कि वहां लोगों को सर्दी जुकाम की दवाई खरीदने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए। इसके बाद वहां के लोगों ने पैनिक बाइंग यानी घबराकर दवाओं की खरीदारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में दवाएं खत्म होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। इससे राजधानी मॉस्को समेत कई इलाकों में दवाओं की भारी कमी देखी गई। दुकानों में जरूरी दवाएं तो छोड़िए, सर्दी जुकाम के सिरप तक गायब हो गए। कहा जा रहा है कि रूस में इस वक्त करीब 80 तरह की दवाओं की कमी है। हालांकि पुतिन सरकार ने इसकी कमी से इनकार किया और लोगों से दवाओं की जमाखोरी नहीं करने की अपील की। अब भले ही रूस सरकार ने अभी दवाओं की कमी नहीं होने की बात कही है, लेकिन युद्ध से बदले हालात के बाद रूस की नजर दवाएं खरीदने के लिए भी भारत पर टिकी है। पिछले दिनों रूस के राजदूत ने भारत को दवाओं का बड़ा बाजार बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ दुनिया की लगभग हर दवाई बनाई जाती है और भारत इसका बड़ा सप्लायर भी है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और कड़ी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव रख दिया और इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर हमला करने के विरोध में रूस पर कई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इस बार उस पर पाबंदियों को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस से कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों के आयात पर रोक लगाने की बात कही। इन पाबंदियों का ऐलान करते वक्त यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके बैन से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को पुतिन का एक बड़ा अपराध भी करार दिया। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने का दावा किया। The perpetrators of these heinous crimes must not go unpunished. जाहिर है इन पाबंदियों के लगने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के साथ रूस का व्यापार और कम हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की ये पांचवी कड़ी है, जिसमें रूस के कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई दूसरी चीजों के आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया। बताया गया कि इससे रूस को करीब 9 बिलियन यूरो यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 74,295 करोड़ का हर साल नुकसान हो सकता है। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों से रूस को होने वाले सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगाने की बात कही गई, जो कि करीब 10 बिलियन यूरो या कहें कि भारतीय रुपयों में 85,550 करोड़ का हर साल का होता है। यही नहीं, रूस के जहाजों को यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही रूस के 4 बड़े बैंकों के साथ भी यूरोपीय संघ के देशों से किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा गया। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध का असर इस साल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पर भी पड़ सकता है और खबर है कि रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि डैनियल मेदवेदेव अपनी अभी जो रैंकिंग है उसमें दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं और अब वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले दावेदारों में शामिल हैं। दावा है कि अगर मेदवेदेव विंबलडन प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रहे तो यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। ऐसे में खबर तो ये भी आ रही है कि रूसी खिलाड़ियों से पुतिन की निंदा वाले एक फॉर्म पर साइन करवाए जाएंगे और इसी के बाद वो विंबलडन में खेल सकेंगे। यानी पहले पुतिन की आलोचना करो, फिर विंबलडन में खेलो वाली अपनी जो नीति है।